की आजादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। इस दौरान हर क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को आजाद कराना चाहता था। इन्हीं में से एक क्रांतिकारी ऐसे थे जो 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख शिल्पकार रहे। उस क्रांतिकारी पर ब्रिटिश हुकूमत को 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह उस क्रांतिकारी को पकड़ने में नाकामयाब रहे। ये क्रांतिकारी कोई और नहीं, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार नाना साहेब थे। नमस्कार, आज की तारीख है 19 मई। आज ही के दिन यानी 19 मई 1824 को नाना साहेब का जन्म हुआ। नाना साहेब के पिता का नाम माधव नारायण भट्ट था, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगे भाई थे। उनकी माता का नाम गंगाबाई था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ साथ माधव नारायण भट्ट और उनकी पत्नी गंगाबाई भी कानपुर चले गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय की कोई संतान नहीं थी, इसी कारण उन्होंने नाना साहेब को गोद ले लिया। पेशवा बाजीराव की छत्र छाया में रहते हुए नाना साहेब ने घुड़सवारी, हथियार चलाना और कुशल राजनीति के गुण सीखे। इस समय किसी को नहीं पता था कि नाना साहेब के रूप में एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी तैयार हो रहा है जो आने वाले समय में भारतीय इतिहास में देश प्रेम के लिए हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। पेशवा परिवार के साथ पले बड़े नाना साहेब में बचपन से ही देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। इतिहास में नाना साहेब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया गया है। नाना साहेब की बुद्धिमता और कुशलता को देखते हुए पेशवा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी तो नियुक्त कर दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के समय तक भारत की राजनीति में अंग्रेजों की नीतियाँ बदल चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी की डायरेक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के कारण कोई भी शासक स्वयं के पुत्र ना होने पर किसी दूसरे के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता था। इन्हीं परिस्थितियों में 28 जनवरी 1851 के दिन पेशवा का स्वर्गवास हो गया। ब्रिटिश सरकार ने पेशवा के बाद नाना साहेब को पेशवा के राजनीतिक उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। कानपुर के कमिश्नर को ब्रिटिश सरकार ने यह आदेश दिया कि वह नाना साहेब को यह सूचना दे कि ब्रिटिश सरकार ने नाना साहेब को पेशवा की धन संपत्ति का ही उत्तराधिकारी माना है, ना कि पेशवा की उपाधि और उसके पद का। ब्रिटिश सरकार ने यह आदेश दिया कि नाना साहेब पेशवा की उपाधि प्राप्त करने का प्रयत्न ना करे और ना ही इससे संबंधित किसी समारोह का कोई आयोजन करे। इन विपरीत परिस्थितियों में नाना साहेब ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते हुए पेशवा की उपाधि प्राप्त की और पेशवा की सारी संपत्तियों को उनके शास्त्रागार के साथ अपने नियंत्रण में ले लिया। लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उन्हें मिलने वाली 800,000 की पेंशन भी बंद कर दी। इस पर नाना साहेब ने आवेदन देकर पेंशन फिर से चालू करने की याचना की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा बात न सुने जाने के कारण नाना साहेब ने अजीमुल्ला खान को अपना वकील नियुक्त करके इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के पास भेजा, लेकिन उनका ये प्रयास भी असफल रहा। अंग्रेजों के इस व्यवहार ने नाना साहेब को ब्रिटिश सरकार का शत्रु बना दिया। नाना साहेब ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लंबे युद्ध की भूमिका बना ली। साल 1897 में जब क्रांति का आरंभ हुआ तो नाना साहेब ने पूरे जोश के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी वीरों का नेतृत्व किया और विद्रोह को एक नई दिशा दी। कानपुर में नाना साहेब ने अंग्रेजों को एक किले में कैद कर दिया और उस पर विजय पताका फहराई। 1 जुलाई 1857 को ब्रिटिश सेना ने जब कानपुर से प्रस्थान किया तो नाना साहेब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। नाना साहेब की सेना और ब्रिटिश सेना ने फतेहपुर और अंग्रेजों में जबरदस्त युद्ध हुआ। नाना साहेब की सेना ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा कानपुर और लखनऊ के बीच मार्ग को बंद कर दिए जाने के बाद नाना साहेब ने अवध छोड़कर रुहेलखंड की ओर प्रस्थान किया। उनके इस प्रकार से चकमा देने से अंग्रेज समझ चुके थे कि जब तक नाना साहेब को पकड़ा नहीं जाता तब तक विद्रोह को कुचला नहीं जा सकता। साल 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद भी ब्रिटिश सरकार नाना साहेब को पकड़ नहीं पाई। नाना साहेब शिवाजी की भांति छापेमारी युद्ध करते रहे। नाना साहेब ने कई कष्ट सहे पर अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। उनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनाम की घोषणा भी की, लेकिन वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। विद्रोह के असफल होने पर नाना साहेब सहपरिवार नेपाल चले गए और वहां पर ही 34 वर्ष की अवस्था में बुखार से पीड़ित होकर नाना साहेब की 6 अक्टूबर 1898 में मृत्यु हो गई।
दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 19 मई की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1904 में टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन हुआ। साथ ही साल 1913 में भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ। वहीं साल 1934 में अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में एक रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ। साल 1950 में इसराइल के साथ अरब देशों का युद्ध हुआ। आज ही के दिन साल 2018 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने शपथ लेने के दो दिन बाद ही इस्तीफा दिया। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।